भोजपुरी इंडस्ट्री से आ रही है सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन्हें कर दिया है अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखें क्यों हुआ है ऐसा और क्यों हुआ है। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर अपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देख तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव, सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। ज्योति भाभी यानी पवन सिंह की पत्नी ज्योति भाभी का इंस्टाग्राम पे 384,000 फॉलोअर्स है, यह सबको पता है, लेकिन इन्होंने अचानक अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया। यह सबको मालूम था, कुछ शादी वादी का उनका पोस्ट आया था, हमने आपके लिए खबर बना दी है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इंस्टाग्राम पे तो वापस आ गई है और अपने सभी फोटोज़ को भी डिलीट कर दिया है, लेकिन हम आपके लिए वो खबर लेकर आए हैं कि कैसे उनकी पत्नी ने पवन सिंह को कर दिया है अनफॉलो। जी हाँ दोस्तों, उनका फॉलोअर्स में जीरो व्यूज दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है और पोस्ट में भी जीरो दिखा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह की पत्नी ने अपने पति को ही कर दिया है अनफॉलो? क्योंकि सोशल मीडिया पे आज ज्योति सिंह का जो भी नाम है वो उनके पति पावर स्टार पवन सिंह के नाम से है, और इन दोनों की जब शादी हुई थी तो इनकी जोड़ी काफ़ी बेस्ट थी, सभी ने काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि शायद क्या टूट रही है इनकी शादी? बहुत कुछ सोशल मीडिया पे एकदम बवाल मचा हुआ है। हमने सोचा आपके लिए खबर लेकर आए हैं, तो हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखें तो जान पाएंगे कि किस तरीके से पवन और ज्योति के रिश्ते को पूरे इंडस्ट्री में उछाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह के फोटोज़ के नीचे जाके ज्योति सिंह के बारे में कमेंट किया जा रहा है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई। हम तो यही कहेंगे कि जो भी है दोस्तों, उन दोनों के बीच के मामले हैं, उन्हें अपने में ही सुलझाने चाहिए, और हम यही कहेंगे कि हमारी प्यारी भाभी और हमारे प्यारे भैया दोनों साथ आ जाए और पवन सिंह और ज्योति सिंह की जोड़ी फिर से हमें देखने को मिले। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यही दुआ करेंगे, और ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।